हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। ये प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन है और इस आने वाली सीरीज में हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरह से हम शॉर्ट वेज से कर सकते हैं क्वेश्चन को बिना पूरा कंप्लीट किए। इससे पहले मैंने काफ़ी क्वेश्चंस के वीडियो बनाए हैं जिनमें मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस को करके दिखाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर पूरा पूरे क्वेश्चंस करके दिखाइए तो आप मेरी जरूर प्लेलिस्ट देखिएगा जो कि मैंने कैट 2020, 21, 22 सबकी प्लेलिस्ट इस चैनल पे है। तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाया है। बट अभी इन आने वाले वीडियोस में मैं आपको जो सॉल्यूशन दिखाऊंगा वो कुछ शॉर्टकट वे में दिखाऊंगा, जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जिसमें हम ये जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे ऑप्शन से कर सकते हैं, कैसे कोई ट्रिक लगा के कर सकते हैं, किस तरह से किसी वेरिएबल को मान लें कि क्वेश्चन और जल्दी हो जाए। तो उन सारी चीज़ों पर मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में है हमारे पास, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है हमारे पास, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इन ए कार रेस, कार ए बीट्स कार बी बाय 45 किलोमीटर, कार बी बीट्स कार सी बाय 50 किलोमीटर, कार ए बीट्स कार सी बाय 90 किलोमीटर। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ओवर विच द रेस हैज बीन कंडक्टेड इज। तो अभी ये क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का है और इसको करने का पूरा तरीका भी है और इसमें हम कुछ शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार सिचुएशन को समझ लेते हैं। तो कोई रेस है जो कि हमें पता नहीं कितने किलोमीटर की है, तो हम एक्स किलोमीटर की रेस मान लेते हैं और तीन गाड़ियां हैं इस रेस में। ये गिवन है हमें, कार ए, कार बी और कार सी। कार ए जो है वो कार बी को हराती है 45 किलोमीटर से। व्हाट डज इट मीन? देखो यहाँ पे कार ए कार बी को बीट करती है, इसका मतलब ये है कि जितने टाइम में कार ए कंप्लीट चल देती है एक्स, उतने ही टाइम में जो कार बी है वो 45 किलोमीटर कम चलती है एक्स से, है ना। तो बेसिकली उतने ही टाइम में, मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब है जो टाइम है वो कांस्टेंट है। और टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर टाइम कॉन्स्टेंट है तो वी वुड से दैट कि जो स्पीड का रेशो होता है वही इनके डिस्टेंस का रेशियो होता है। जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, क्योंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो यदि ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, तो कार ए और कार बी पे लगाएं, तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी उतना ही होगा जितना डिस्टेंस ए ने चला। ए तो कंप्लीट चल गई गाड़ी एक्स किलोमीटर, और उतने टाइम में बी ने कितना डिस्टेंस चला हम कहेंगे एक्स माइनस 45, क्योंकि 45 किलोमीटर कम चला, राइट। ऐसे ही एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर हम बी और सी गाड़ी पे लगाएं, तो कार बी ने कार सी को बीट किया 50 किलोमीटर से, इसका मतलब है कि एस बी बाय एस सी इज इक्वल टू डिस्टेंसिस ट्रेवल्ड बाय कार बी एंड कार सी। तो आप कहेंगे जितने टाइम में बी एक्स चलेगी, सी जो है वो 50 कम चलेगी, एक्स माइनस 50। और ऐसे ही एक और इक्वेशन दी हुई है हमें कि जितने टाइम में कार ए कार सी के बीच में दिया हुआ है, जितने टाइम में कार ए 90 कार इन कार सी को 90 किलोमीटर से बीट करती है, व्हाट डज इट मीन? कार ए अगर एक्स चलेगी तो कार सी जो है वो एक्स माइनस 90 चलेगी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इसको सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू पूछा हुआ है, तो सोल्व पूरा करना पड़ेगा, पहले हमें इक्वेट करना पड़ेगा इसमें। वो सब कुछ ठीक है, बट इसमें शॉर्टकट क्या लग सकता है? देखिए इस बात को हम जानते हैं क्योंकि कैट का पेपर जो होता है हमारा, उसमें लास्ट ईयर 22-24 क्वेश्चंस तक आते हैं हमारे, और हम सब जानते हैं कि अगर हम 12-13 क्वेश्चन सही कर देते हैं, हम प्रोवाइडेड दैट बाकी कुछ गलत नहीं करते, तो वी आर गेटिंग 99% प्लस, जो कि अपने आप में एक बहुत डिसेंट परसेंटाइल है। तो उसके लिए ये पेपर जितना करने वाला है उतने ही छोड़ने वाला भी है। तो कौन सा करें कौन सा छोड़ें ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, और जो कर रहे हैं वो भी किस वे से कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, कार ए जो है वो 45 किलोमीटर से हराती है कार बी को, यहाँ पे 45 किलोमीटर से, यहाँ पे 50 किलोमीटर से, यहाँ पे 90 किलोमीटर से। देखो आंसर कहीं ना कहीं वही बनेगा जो 45, 50 और 90 तीनों से डिवाइड हो जाए, अगर ऐसा ऑप्शन है तो। वो कैसे वो मैं अभी बताऊंगा आपको। देखो 45 क्योंकि 45 से बीट किया, 50 से बीट किया, 90 से बीट किया, कहीं ना कहीं जो एक्स है वो कहीं ना कहीं इनका मल्टीपल ही होना चाहिए, क्योंकि माइनस करने पे भी तभी वो कहीं ना कहीं परफेक्ट रेशियो बन पाएगा, तभी तो वो आपस में कट पाएगा ना। देखो कैसे क्या बोल रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में। 45, 50 और 90 आप कहेंगे कि अगर हम ऑप्शन से जाते हैं, ऐसा एक ही ऑप्शन है जो तीनों से डिवाइड हो जाए, वो है 450।
तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 450 को आंसर लगा दीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप 450 को चेक कर लीजिए। अब आप कहेंगे चेक कैसे करेंगे सर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप 450 पुट करिए, तो 450 अगर आप पहले वाले में पुट करेंगे तो ये 450 डिवाइडेड बाय 405 आएगा, तो ये एस ए बाय एस बी हो जाएगा, जो कि 45 पे कट के 10/9 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप सेकेंड में पुट करेंगे तो एस बी बाय एस सी आपका 500/450 आ जाएगा, 500/450 जो कि कटने के बाद आपका 10/9 आ जाएगा, और ऐसे ही आपका स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ सी का रेशो आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाय, मैं एक्स का वैल्यू 450 पुट कर रहा हूँ, 360, तो ये आप 90 पे काटोगे तो ये 5/4 आ जाएगा। अब स्पीड ऑफ ए और स्पीड बाय और स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ सी का रेशो जो है वो 5/4 है, तो अगर मैं यहां से भी ये प्रूव कर दूं कि ये रेशो 5/4 ही निकलता है, तो इसका मतलब हमने जो ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही चेक कर रहे हैं। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, पहली दो इक्वेशन को, तो एस ए बाय एस बी इंटू एस बी बाय एस सी, तो आप कहेंगे कि ये बन गया हमारा 10/9 इंटू, है ना, 10/9 इंटू ये भी कितना है 10/9, तो ये 10/9 है हमारा, और एस ए और एस बी में मैं रिलेशन बना रहा हूं। तो हाँ जी, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, 450 डिवाइडेड बाय 405 तो 10/9, 450 डिवाइडेड बाय, ये मैंने गलत लिख दिया, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं, ये जो है मेरे पास वैल्यू, ये 400, हाँ जी 450 डिवाइडेड बाय 400 आएगा, है ना, जो कि बेसिकली 9/8 आएगा। तो जब आप इसके साथ 9/8 यहां पे रखेंगे तो ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 से 9, तो ये 5/4 रेशो आना चाहिए था और ये 5/4 ही रेशो आ जाता है, तो जिस ऑप्शन की हमें तलाश थी वो यही आंसर बनता है, तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, बाकी किसी ऑप्शन को मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें दो बातें निकलती हैं, पहली बात ये निकलती है कि सर हमें पता कैसे चला कि 450, और दूसरा ये कि सर अगर पूरा करते तो कैसे करते। अब पूरा करते तो ऐसे ही इक्वेशन बनाते जैसे एस ए बाय एस सी का, वो एक्स की टर्म्स में आता और यहां से भी एक्स की टर्म्स में, फिर दोनों को इक्वेट करते, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, जो कि थोड़ा लेंथी हो जाता है सवाल, जो कि फिर कैट में करने लायक रहता नहीं है, और कर भी दोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं 40 मिनट्स होते हैं, और एक क्वेश्चन पे अगर मैं 4-5 मिनट लगा दूं तो कहीं ना कहीं जितने क्वेश्चन रिक्वायर्ड हैं उतने हो नहीं पाते, बट इस मेथड से मैं 30-40 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को खत्म कर सकता हूं फटाफट से लिख के, बिकॉज आई नो द अप्रोच, जो पूछा गया है वो ऑप्शन में है। अब क्वेश्चन ये आते हैं कि 450 क्यों, क्योंकि कोई और ऑप्शन लेते, फॉर एग्जांपल आप 500 लेते, तो 500 अगर मैं लेता तो डिवाइडेड में करता मैं 455, तो जब आप काटते तो नीचे एक अजीब सी वैल्यू बचती और वो वैल्यू कहीं ना कहीं किसी में भी ना बनती, और जब वो वैल्यू किसी में बन नहीं रही है, ना यहां पे बन रही है, देखो ना यहां पे बन रही है लेके, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो करके भी वो वाला फ्रैक्शन बनने वाला नहीं है जो मुझे चाहिए, तो क्यों ना मैं ऐसे ऑप्शन से स्टार्ट करूं जो कि 45, 50 और 90 तीनों को कहीं ना कहीं कट करता हो, अगर तीनों को कट करता होगा तो मेरी रेशियो एकदम सही बनेगी और हाई चांसेस है कि वही आंसर बने, अगर वो नहीं भी बनेगा तो फिर मैं अगला कोई और ऑप्शन देखूंगा जो 3 से नहीं 2 से डिवाइड हो रहा होगा कम से कम, ठीक है, बट जनरली हमें वो ऑप्शन मिल जाता है एक ही में करके, तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते रहेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो वीडियोस हैं मेरे चैनल पे इसको काफ़ी बच्चे देखते हैं, बट केवल 20 से 25% बच्चों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है और बाकियों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो मैं मतलब काफ़ी टाइम लगाता हूँ बेटा इस तरह के वीडियोस बनाने में जिनमें मैं कुछ शॉर्टकट बताने की कोशिश करता हूँ, तो आई होप सो आप सब्सक्राइब करेंगे अगर आपके लिए यूज़फुल है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही।